शोरूम वाले ये सोचते हैं कि बड़े लोगों का आना जाना है तो आप किसी भी हद तक अतिक्रमण कर ले, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब उन्हीं लोगों का बिगड़ेगा जो लोग सोचते हैं कि राजनीतिक घरानों में उनका आना जाना है, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनकी उठ बैठ है, तब वो हो जाए सावधान, क्योंकि अतिक्रमण किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। डीसी ने सख्त लहजे में आदेश दिए हैं, वो सुधर जाए लोग जो इस तरह की मंशा रखते हैं, जो अपने संस्थान के बाहर जनरेटर रख के वातावरण को दूषित करते हैं, उन पर लग सकता है मोटा जुर्माना और हो सकता है सामान भी जब्त। और आपको बता दे, अगर इस बात को नहीं माना गया तो इससे भी और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहता प्रशासन। डीसी ने कहा है अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से वहां जाकर निरीक्षण करें और कार्यवाही को अमल में लाएं। जिन्होंने सड़क पर अवैध कट बनाए हैं वो होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले और पेट्रोल पंप वाले हो जाएं सावधान, क्योंकि आपके मनमानी पर अब पुलिस का, कानून का, प्रशासन का डंडा चल सकता है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। कैथल में दुकानदार अब हो जाएं सावधान, क्योंकि शोरूम में दुकानों के बाहर अतिक्रमण अब उनके लिए भारी पड़ सकता है। बिना अनुमति के सड़क व सार्वजनिक स्थानों पर कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं है। जी हाँ, शोरूम के बाहर अगर आप भी अपना सामान रखते हैं तो आपका सामान जब्त हो सकता है, क्योंकि अब एक्शन मोड में है कैथल प्रशासन। अगर जनरेटर बाहर रखा है तो आपका वो सामान जब्त हो सकता है, क्योंकि आपका जनरेटर वातावरण को प्रदूषित करता है, साथ ही सड़क पर होने वाले हादसों को न्योता दे रहा है। और आपको बता दें, इन लोगों को नोटिस दिए जाएंगे। कैथल डीसी संगीता तेतरवाल ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि जिला में सड़कों पर अवैध कट नजर नहीं आने चाहिए, यानी कि अब होटल, रेस्टोरेंट और पेट्रोल पंप या दुकानदार जो अपने बाहर सड़क पर अवैध कट बना लेते हैं, अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि इस पर बड़े एक्सीडेंट होने का डर रहता है। और इसी बात को लेकर के अब संबंधित विभाग के अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा गया है कि वो दौरा करें, तुरंत प्रभाव से अवैध कटों को बंद करवाएं। यदि कोई व्यक्ति, संस्थान, होटल मालिक फिर से अवैध कट से आवाजाही शुरू करता है तो अधिकारी पहले उसे नोटिस दें, बाद में मामला दर्ज करके कानूनी कार्यवाही अमल में लाएं। इसी तरह की सख्त हिदायत आज कैथल की डीसी के द्वारा तमाम अधिकारियों को दी गई है। साथ में दुकान से बाहर सामान रखने वालों पर अब जिला प्रशासन कार्रवाई करने वाला है, नहीं ढील दी जाएगी किसी भी प्रकार से बाजार में अतिक्रमण करने वालों पर। अड़ियल दुकानदारों को पहले नोटिस दिया जाएगा, और फिर भी दुकानदार हो जाए सावधान, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उन्हें मोटा जुर्माना तो भरना पड़ सकता है, उनका सामान भी जब्त हो सकता है। और इसी तरह से लगातार अब कानूनी कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। और आपको बता दें, संबंधित विभाग के अधिकारी समय समय पर सड़कों का निरीक्षण करते रहेंगे। बैंकों में अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा सड़कों पर अवैध रूप से रखे गए जनरेटर को तुरंत प्रभाव से जब्त किया जा सकता है। लघु सचिवालय के सभागार में आए रोड सेफ्टी की बैठक में डीसी संगीता तेतरवाल ने ऐसे विभागों से नाराज नजर आई है जिन्होंने इन अवैध कट को बंद करना था लेकिन लापरवाही बरती है। साफ तौर पर डीसी ने कहा कि दुर्घटनाओं का ग्राफ 0% लाने के लिए सभी अधिकारी संयुक्त रूप से कार्रवाई में लग जाएं, और यातायात में बाधा डालने वाले सामान और सड़कों पर रखे हुए जनरेटरों को जब्त करें। कई संस्थानों द्वारा, जिनमें बैंक भी शामिल है, सड़कों पर जनरेटर रखे हुए हैं, जिससे पर्यावरण दूषित होता है, साथ ही दुर्घटना होने का अंदेशा भी रहता है। इसी बात को लेकर के आज डीसी ने पुलिस विभाग सहित नगर परिषद को निर्देश दिए हैं, ऐसे संस्थानों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से नियम अनुसार कार्यवाही की जाए। पहले कारण बताओ नोटिस दे, यदि फिर भी जनरेटर नहीं उठते हैं तो जब्त किए जा सकते हैं। आपको बता दे, कई संस्थानों द्वारा अपनी दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ है, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने सड़क पर सामान फैला रखा है, और कुछ तो शोरूम वाले ऐसे हैं जैसे उन्होंने सड़क को ही खरीद लिया हो। इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त लहजे में कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब वो शोरूम संचालक हो जाएं सावधान, जो सोचते हैं कि आपकी पहुंच ऊपर तक है,
आपके पास राजनीतिक लोगों का आना जाना है, आपके पास प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना है, तो उस आने जाने की धौंस को छोड़कर सीधे हो जाएं वो लोग, क्योंकि अब प्रशासन का पंजा आप तक पहुंच सकता है और उस शिकंजे में जल्द ही आप भी आ सकते हैं। तो यानी कि अब जल्द ही प्रशासन कड़ी कार्रवाई के मूड में है, क्योंकि किसी भी तरह से कोई रिस्क नहीं लेगा प्रशासन, और लोगों को सुधारने के लिए कुछ भी करना पड़े लेकिन इस सिस्टम को सुधारने के लिए आज डीसी ने सख्त लहजे में कहा है। आइए दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। इसमें जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है वो अपने रोड्स की सिचुएशन को ठीक करे, जहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट है, कट्स हैं, अनऑथराइज्ड या फिर पोर्ट होल्स हैं, उनको ठीक करें, साइन बोर्ड लगाएं, नाइट रिफ्लेक्टर लाइट्स भी लगाएं, ये सब डायरेक्शन है। और उसके अलावा आज हमने हेलमेट्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया है, साथ ही में एक इन जनरल सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए हिदायत भी है कि वहाँ पे बिना हेलमेट के एंट्री है वो आगे से बैन रहेगी। एंड रोड्स पे जितने भी लोग बिना हेलमेट के जा रहे हैं उनसे अपील भी यही है कि आप लोग हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि 70% एक्सीडेंट टू व्हीलर्स के ही हो रहे हैं, तो मैक्सिमम कैजुअलिटी उन्हीं केसेस की हो रही है जहाँ पे सेफ्टी नहीं है, तो उसका आप ज़रूर इस्तेमाल करें।